अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मुबशिर और आप लोग देख रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही मजेदार है। मैंने मंगवाए अपनी गाड़ी के लिए रिम्स और ओरिजिनल मंगवाए ओजी रेसिंग एलिगेटर के। अब मैं वो लगवाने जाऊंगा, उसके थोड़े से स्पेक्स मैं आपको बताता हूँ और अभी मैं आपको रिम्स दिखाता हूँ। लेकिन रिम्स दिखाने से पहले मैं आप लोग को एक स्टोरी दिखाना चाहूंगा, चलिए देखते हैं। यार बाबा एक मसला हो गया। अब क्या कर रहा है? नहीं कुछ किया नहीं है, होने वाला है। क्या होने वाला है? चलो छोड़ेंगे भोगा तभी। और बता भाई क्या होने वाला है? नहीं नहीं छोड़ें छोड़ें, बता ना क्या होने वाला है। मेरी जिल्लत होने वाली है। क्या कर रहा है तूने? सच सच बता। छोड़ी जब आएगी तो देख लेना। पिटेगा मुझसे? बता क्या हुआ है? यार मैंने ना गाड़ी के रिम्स मंगवाए। ठीक है बचा तो गई। ये थी जी स्टोरी। अब हम रिम लगवाने जा रहे हैं, वहीं आपको स्पेक्स भी बताएंगे और रिम्स भी दिखाएंगे। हम लोग आए हुए थे सैफ्रॉन बिल्डिंग बिजली पे है ये, और यहाँ से रिम्स मैं लगवा रहा हूँ और टायर्स भी यहीं से बदलवा रहा हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ रिम्स और टायर्स। ये मुस्तफा भाई हैं, ये हमें बताएंगे क्या कर रहे हैं। सर अभी हम टायर माउंटिंग कर रहे हैं, ये आपके रिम टायर आए हैं फिटिंग के लिए। इन पे लगाओ टायर इसके ऊपर। टायर कौन सा लगा रहे हैं? टायर हम सर लगा रहे हैं मोमो का टायर लगा रहे हैं इसके। क्या डायमेंशन है? ये 2 15 50 17। Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Don't tell me our youth is running out. ये भी बैलेंसिंग कर रहे हैं, ये भी स्कैर की। ये मैं बबली माजी बबली की शिकायत नहीं होगी आपको। It's only just begun, 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 begun. अभी व्हील बैलेंसिंग हो रही है। व्हील बैलेंसिंग से ये पता चलता है कि रिम टेढ़ा तो नहीं है, या रिम में कोई फॉल्ट तो नहीं है, रिपेयर तो नहीं है, कहीं आउट तो नहीं है, या टायर आउट तो नहीं है। अभी व्हील बैलेंसिंग होगा, फिटिंग होगी, फिर अलाइनमेंट होगा। हम लोग यहाँ पे अभी ज़ेफ़कॉम पे आए हुए हैं। ये गिजरी में लोकेटेड है, कराची DHA में, और एक गिजरी का जो ब्रिज है उसके साथ ज़ेफ़कॉम जो है लोकेटेड है। अब यहाँ आके जो है रिम्स और टायर्स देख सकते हैं। इनके पास काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी ब्रांड्स हैं। मैंने जो रिम्स लगवाए अपनी गाड़ी में वो है एलिगेटर सीरीज़ है, और इसका आप सर्च भी कर सकते हैं और मैं लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा वेबसाइट का, वहाँ पे आप प्रॉपर इसके स्पेक्स देख सकते हैं। ये जो है 17 इंचेस में मैंने मंगवाए। ये लाइट वेट बहुत होते हैं, परफॉर्मेंस के लिए होते हैं। मैं अब गाड़ी को थोड़ा परफॉर्मेंस की तरफ लेके जा रहा हूँ। 7 किलो का एक रिम होता है, और इसके जो ओरिजिनल रिम्स आते हैं सिविक रिबॉन्ड में, उसका वेट एक रिम का अराउंड 10 से 11 किलो होता है। रिम्स तो मैंने आपको बता दिए मैंने कौन से लगाए। टायर्स मैंने लगाए हैं मोमो के। मोमो भी इटालियन ब्रांड है, लेकिन ये बन चाइना में रहा है ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो। बहुत अच्छा टायर है। इसकी जो मैंने डायमेंशंस लगाए हैं वो हैं
215 और 55 साइड वॉल है और 17 रिम साइज है। ये है अली भाई, आप जब भी जैप फॉर्म आए आप अली भाई के पास आए, मैं भी इनको ही तंग कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, तो आप भी आके इनको तंग कर सकते हैं, आपको अच्छी चीज़ सजेस्ट कर देंगे और अच्छे रिम्स और टायर्स जो हैं वो आपको दे देंगे।